आज के इस वीडियो में बताएंगे कि BNMU भूपेन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पार्ट वन में एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 सेशन में 2021, तो आज के इस वीडियो में बताएंगे उसके लिए किस तरह अप्लाई करते हैं और किस तरह BNMU पार्ट वन में एडमिशन का प्रक्रिया इस साल 2020 में है। तो चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से, साथ में पेपर कटिंग भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप BNMU की इस वेबसाइट पे आते हैं जहाँ से सभी तरह का एडमिशन का ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आप पेपर की कटिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पेपर की कटिंग दिया गया स्नातक पार्ट वन में नामांकन के लिए 3 से 10 अक्टूबर तक कॉलेज में जमा होगा आवेदन, 14 को जारी होगी पहली मेगा सूची। BNM मंडल विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट प्रथम खंड 2021 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही। इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर आर.के. रमन की अध्यक्षता में मंगलवार को सभी अग्निभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रभारी की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय ये लिया गया कि ऑफलाइन लिया जाएगा आवेदन। इस बार पिछले साल जिस तरह ऑनलाइन आवेदन लिया गया था उस तरह अब नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार समय नहीं मिल पाया और कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी परेशानी के चलते समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। इसलिए अब डायरेक्ट ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा, ये इस मीटिंग में निर्णय लिया गया। डायरेक्ट किस तरह लिया जाएगा, जिस भी कॉलेज में आप पार्ट वन में नामांकन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में डायरेक्ट आप जाकर किसी भी दिन जाकर अपना नामांकन करवा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका डाटा होगा वो कॉलेज खुद ही आपका ऑनलाइन कर देगा जब भी ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो आप नामांकन प्रथम खंड में नामांकन के लिए 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक किसी भी कॉलेज में आवेदन जमा कर सकते हैं जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। तत्काल ऑनलाइन नामांकन लेने में परेशानी है, इसलिए ऑफलाइन नामांकन लिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। तो आप जिस भी कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में 3 अक्टूबर से लेके सिंपल सा भाषा में मैं आपको समझा दूं, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे, जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वो एडमिशन आपका नहीं होगा बल्कि अप्लाई होगा। 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते, जो ऑनलाइन अप्लाई करते थे कॉलेज सेलेक्ट करते थे उसी तरह ऑफलाइन आपको आवेदन करना होगा। जिस भी कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी कॉलेज में आपको नामांकन चाहिए उस कॉलेज में आप आवेदन कर सकते हैं। 14 तक आपका ये आवेदन होगा, उसके बाद आपको 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपका आवेदन ऑफलाइन लिया जाएगा। 14 अक्टूबर को मेगा सूची जारी किया जाएगा कि किसका चयन किस विद्यालय में हुआ है। मतलब कि 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते कॉलेज में, उसके बाद 14 अक्टूबर को मेगा सूची जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा किसका चयन किस विद्यालय में महाविद्यालय में हुआ है। उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चयनित छात्र का एडमिशन उस महाविद्यालय में लिया जाएगा। तो सिंपल सी समझ गए आप, 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप किसी भी विद्यालय में या एक से ज़्यादा विद्यालय में जाकर नामांकन के लिए अप्लाई कर दीजिए ऑफलाइन, उसके बाद 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को आपको मेगा सूची जारी किया जाएगा, उसके बाद जिसमें आपका जिस भी विद्यालय में चयनित होगा उस विद्यालय में आपको पूरा डॉक्यूमेंट लेकर और जो फी है वो फी लेकर जाके वहाँ पे एडमिशन करा लेना होगा। साथ में इसमें वो कितना रुपया आपको फ़ी लगने वाला है, फॉर्म की कीमत आपको 50 रुपये लगेंगे, अदर वगैरह कॉलेज फॉर्म वगैरह आपको 150 रुपये लगेंगे। नामांकन फीस में एक उसके अलावा आपको नहीं लगेगा, मतलब कि अगर मोटा मोटी समझ ले तो 50 रुपये आपको फॉर्म का, 150 रुपये कॉलेज फ़ी आपको लगेगा, जो कि इस कॉलेज पेपर की कटिंग में यहाँ पे बताया गया है।
तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं, मैं पेपर की कटिंग से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है। तो यही एक प्रक्रिया था ऑफलाइन आवेदन करने का, ऑफलाइन, क्योंकि इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन BNMU की ओर से नहीं लिया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। 14 को मेरिट लिस्ट जारी होगी, 15 से लेकर 22 तक आप चयनित विद्यालय में जाके एडमिशन नामांकन करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जान गए आपके BNMU में 2020-21 सेशन के लिए पार्ट वन में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। यही प्रोसेस से आपको एक एडमिशन करने के लिए गुजरना होगा 2020-21 के एडमिशन के लिए BNMU मधेपुरा में। तो मिलते हैं फिर इसी तरह नॉलेजफुल जानकारी के साथ।